नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं क्रेजी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम आपको बताएंगे जेएसएससी पंचायत सचिव एलडीसी स्टेनो के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, साथ ही साथ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इसके साथ साथ कुछ सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जेएसएससी पंचायत सचिव एलडीसी और स्टेनो का सीपीटी टेस्ट दे के आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जैसे झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड जीके और इंग्लिश वगैरह जो भी झारखंड में आते हैं, झारखंड के एग्जाम में जेएसएससी, जेपीएससी, जीटेट, वो सारे कुछ आपको इस वीडियो पे, इस चैनल पर आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का सारा डॉक्यूमेंट, सारा आपका सीपीटी एग्ज़ाम हो गया, आपका प्रोफेशनलिटी टेस्ट, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और आपका जो भी था सारा कुछ हो चुका है। तो उसके बाद अब हम लोग का रिजल्ट का समय है। तो रिजल्ट आपको मैं बता दूँ, रिजल्ट जल्द आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आपका देखिएगा तो ये आपका अगस्त अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाएगा, ठीक है। तो अब होप कर सकते हैं कि इस समय आ जाएगा। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, कोई जेएसएससी का ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा अपना, मैं अपना तरफ से बता रहा हूँ, इसे कोई ऑफिशियल तौर पे आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, जिस जो भी एग्ज़ाम दिए हम लोग, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी हम लोग का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, ठीक है, उस टाइपिंग टेस्ट में बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न है कि हमारा 2% एरर वे होगा या 5% एरर, जो रघुवर दास ने बोला था अपने किसी भाषण में बोला था या विधानसभा में बोला था, उस पर होगा। तो लेकिन हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो 2% एरर के आधार पर ही एग्ज़ाम होगा, उसको टंक मतलब के आधार पर ही बनाया गया है, मतलब कि उसी पे बेस्ड करके हम लोग का सारा प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग का नोटिफिकेशन आया था तो उस समय 2% एरर का बात था, नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, तो वो 2% एरर ही होगा। जो ये 5% एरर का बात है, ये तो जो भी आने वाली वैकेंसी है टाइपिंग की उसमें ये चीज़ लागू होगा। अब बात करते हैं 2% एरर मतलब क्या होता है। 2% एरर मतलब होता है आपका, ऐसा नहीं है कि दो गलती है तो हो गया, आपका टोटल 5 स्ट्रोक होना चाहिए, ठीक है। 5 स्ट्रोक आपने अगर गलत कर दिया तो ये आपका 2% एरर काउंट होगा, अन्यथा ये आपका 2% एरर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जेएसएससी पंचायत सचिव में बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्या हुआ कि आप उन्होंने एग्ज़ाम में क्या हुआ कि वो कोई ईमेल ठीक से नहीं कर पाए, ठीक है, कोई ईमेल ही नहीं कर पाए, कोई ईमेल तो किया लेकिन ईमेल में सारा कुछ अटैच नहीं कर पाए, कोई एक्सेल नहीं कर पाए, कोई एक्सेल आधा अधूरा किए, तो उनका क्या होगा, उनका मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट्स ईमेल नहीं कर पाए हैं तो उनको ईमेल का 0 मार्क्स मिलेगा, जो कैंडिडेट्स ईमेल किए हैं दो फाइल अटैच करके तो उनको उनके अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग ने एक्सेल नहीं किया तो एक्सेल को अटैच कहाँ से करेंगे, तो वो आपका 25 मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ से कुछ आपका सर्टेन मार्क्स होगा जो इसमें अलॉट किया जाएगा, वो मार्क्स आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मार्किंग होगा। अब बहुत लोग हैं कि आधा अधूरा एक्सेल सीट किए हैं, आधा अधूरा वे किए हैं, तो उस पर भी बेस्ड है, उस पर भी उन लोग का मार्क्स जैसा जैसा अलॉट किया होगा उसी मार्क्स पर आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो टोटली डिपेंड करता है जेएसएससी पे, और ये आपका सब कुछ हो चुका है, टोटल चीज़ आपका ये सब हो चुका है, लगभग चीज आपका ये सब कार्य प्रोग्रेस में है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका 10 से 12 तारीख तक आपका अगस्त में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर डिपेंड करेगा वो है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स डिपेंड करता है, और उसके बाद आपका प्रेफरेंस, ठीक है, ये दोनों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करने वाला है, ठीक है। अब बात है नॉर्मलाइज मार्क्स, जरूरी नहीं है कि जो जो कैंडिडेट्स ने 420 मार्क्स लेके आया है और जो 380 मार्क्स लेके आया है, जो 420 लाए उसका सिलेक्शन होगा और जो 380 लाए उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये एकदम भ्रम में मत रहिएगा। क्योंकि नॉर्मलाइज होने के बाद आपका क्या जो फाइनल मार्क्स बनता है उस पर टोटली डिपेंड करेगा, उसके बाद आपने क्या प्रेफरेंस दिया था। जैसे किसी कैंडिडेट्स का नॉर्मलाइज मार्क्स होने के बाद उनका मार्क्स आ जा रहा है 480 आ जा रहा है मार्क्स, ठीक है,
और उन्होंने प्रीफ्रेंस में सबसे पहले अपना प्रीफ्रेंस दिया था एलडीसी, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन सीधा एलडीसी में होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स का मान के चलिए 370 है, और 470 है उनका प्रीफ्रेंस, आपका पीएस पहले है तो उनका पीएस में मिल जाएगा अगर सीट वैकेंट रहेगा तो, बाद में वो एलडीसी और एस्टोमेट के लिए देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाला है नॉर्मलाइज मार्क्स और प्रीफ्रेंस, तो ये आपके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, जो थोड़ा कम मार्क्स लाए हैं वो बहुत घबरा रहे हैं कि क्या होगा मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आपको सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आने दीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपको सब कुछ लिस्ट में बताया जाएगा किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। चलिए ये तो हो गया, अब हम चलते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग जैसे जैसे पंचायत से जो एलडीसी स्टेनो का एग्जाम दिए थे, तो जब आप जब मुख्य परीक्षा, इसमें तो प्रारंभिक परीक्षा हुआ ना, राइट, मुख्य परीक्षा हुआ था, तो मुख्य परीक्षा में आपको जो एडमिट कार्ड मिला था, बहुतों के पास वो खो गया है, बहुतों के पास अवेलेबल नहीं है, तो देखिए इसके लिए कुछ जेएसएससी जरूर कुछ निकालेगी, बट जो जो रिक्वायर्ड है, जो एसेंशियल है, जो जो कि जेएसएससी का जो प्रीवियस एग्जाम में लेती है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत बोलना कि जेएसएससी का इसमें आपको सीपीटी टेस्ट हुआ उसमें भी नहीं मांगा गया, देखिए उसके लिए जेएसएससी कुछ भी कर सकता है, जेएसएससी के हाथ पे टोटली डिपेंड करता है। तो हो सकता है आपका जो मुख्य मुख्य परीक्षा का जो आपका प्रवेश पत्र था वो ना मांगे, ठीक है। तो अब आपको हम बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका लिखित परीक्षा का मूल प्रवेश प्रमाण पत्र, यानी जो आपने रिटन टेस्ट दिया था उस रिटन टेस्ट में जो आपका एग्जाम रिटन टेस्ट में जो एडमिट कार्ड था वो आपका रिक्वायर्ड है। बहुतों के पास अभी अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सी कुछ ना कुछ जरूर निकालें, क्योंकि इस वैकेंसी का आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स इसे भूल चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा सीपीटी में वो लोग ईमेल का लफड़ा खत्म कर दिए हैं, उन्होंने ईमेल सिस्टम पे आपका जो भी ईमेल था उसको डायरेक्ट पुट कर दिया, उसके बाद आपको ईमेल सेंड करना है वेरावर, इसी तरह कुछ भी कुछ ना कुछ जरूर निकालेगा यहाँ पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जेएसएससी को भी पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट का वो एडमिट कार्ड खो चुका है, नहीं कुछ, क्योंकि उनके कान में ये पहुंच गया है ये बात। ये हम लोग जितना भी आप लोग जाते थे वहाँ पे आंदोलन में वगैरह में, वो सारा बात उन लोगों को पहुँचाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद सीपीटी तथा टंकण का मूल प्रवेश पत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एनी हाउ लेके जाना है, अगर ये भी भूल गए हैं तो उसका कोई मर्सी नहीं किया जाएगा, आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको हटा दिया जाएगा, मतलब आपको एग्जाम से एक्सलेट कर दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में, जिनका भी एग्ज़ाम हुआ वो उसका जो प्रवेश पत्र था वो उसको जरूर अच्छे से रखिए, जिनका चांसेस सिलेक्शन होने का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा, तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक का आपका जो मार्कशीट है, 10th का मार्कशीट है वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका तीन तीन चार चार कॉपी जेरोक्स करा लीजिए, साथ ही साथ ओरिजिनल लेके जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, ठीक है। मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद मैट्रिक का प्रवेश पत्र, ठीक है, मैट्रिक में जो आपको एडमिट कार्ड था वो, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण जो फाइनल आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी रिक्वायर्ड है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ रिक्वायर्ड होता है, एक मैट्रिक का अंक पत्र और मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ये आपका ऑप्शनल रहता है, बट इसको भी आप जरूर करा के रख लीजिएगा, क्यों, चांस लेना है, जब जब इतने दूर तक गए हो तो चांस लेने का जरूरत नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेना है, मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का प्रवेश पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए ये एग्जाम तो हमारा इंटरमीडिएट स्तर पर था, तो यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट स्तर तक के सारे डॉक्यूमेंट्स तो होना एकदम अनिवार्य है, उसके बिना आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हमारा है कि इंटरमीडिएट का जो अंक प्रमाण, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र, उसके बाद इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण, तीनों वही चीज़, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आपका पासिंग सर्टिफिकेट, ये तीनों रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद जो जो कैंडिडेट्स हैं आपके, जैसे कि जो भी झारखंड के निवासी हैं उनको आवासीय प्रमाण पत्र देना है, ठीक है, वही आवासीय पत्र प्रमाण पत्र देना है जिसका क्रमांक आप लोग ने उसमें फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, जो आप लोग जेएसएससी का फॉर्म भरे थे, ठीक है, उसमें जो आप लोग ने डाला था सीरियल नंबर, वही सीरियल नंबर का आपको उसमें देना है। उसके बाद वही, इसके बाद जैसे कि जो कैंडिडेट ओबीसी एससी एससी हैं उनके लिए अपना जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसमें भी सेम एक फंडा फॉलो होता है, जो आपका आवेदन के समय भरा था वही लगेगा। देखिए हो सकता है इसमें चेंज आए, क्योंकि ये दिन काफ़ी पुराना हो चुका है फॉर्म, तो उस वक्त जो उन्होंने फॉर्म भरा था हो सकता है
वो खत एक्सपायर हो गया हो चाहे, इसलिए आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स का भी मान्य हो सकता है, होना चाहिए। और अभी तो उन्होंने साफ ये कर दिया है कि अगर आपके पास जाति आवासीय अगर आपका अंचल का भी है तो वो मान्य होगा, अनुमंडल का रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। ठीक है, अनुमंडल नहीं है फिर भी चलेगा, अंचल का भी अभी मान्य हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद आपको अपना 5-6 फोटोकॉपी फोटो ले जाना है। ठीक है, और अपना 5-6 फोटो ले जाना, उसके बाद जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया उस डॉक्यूमेंट का 5-5 कॉपी आप जेरोक्स करा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बचा, उसके बाद क्या बच रहा है आपका, आपका जो भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको ले लेना है, वो मस्ट गए आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड वगैरह कोई भी। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।